मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चल में। गर्भवती के लिए 2 किलोमीटर तक झोलकी बना एम्बुलेंस, सड़क ऐसी कि महिलाओं ने मारा एम्बुलेंस को धक्का, रास्ते में ही गूंजी कलकारियां। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। कहां से आ रहा है इसके ऊपर नजर डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस आप लोगों को पता है कि सरकार हमेशा ही बोलती है अभी चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, हमेशा आपको आश्वासन देते हैं कि आपके घरों के सामने जो सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, उसको बनवा दिया जाएगा, आपको ये फैसिलिटीज दी जाएगी, आपको वो फैसिलिटीज दी जाएगी, जबकि ये फैसिलिटीज आप तक पहुंच नहीं पाती और सड़कें जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम दई होते हैं, जिसके कारण अगर किसी को हॉस्पिटल अर्जेंट जाना हो तो वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, या तो वो शख्स वहां पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता उन सड़कों के कारण, क्योंकि वो सड़कें काफी ज्यादा बर्बाद होती हैं। वैसे ही हमारे सामने छत्तीसगढ़ से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर एक गांव में गर्भवती महिला को जो है लेबर पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो गर्भवती थी और उस दौरान ही एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस पहुंच तो गई पर एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खराब था। इस दौरान उस महिला को जो है वहां के परिजनों ने और महिलाओं ने झोलकी बना के उसमें बिठा के जो है एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस जो है वो आगे भी नहीं बढ़ पाई क्योंकि वहां पर रास्ता जो है वो काफी ज्यादा ऊंचाई वाला था। महिलाओं ने उसको धक्का मार के स्टार्ट तो कर दिया पर इसी दौरान ही उस महिला जो गर्भवती महिला थी उसकी लेबर पेन इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि वो डॉक्टर तक पहुंचने के लायक नहीं रही और वहीं पर मौजूद जो एम्बुलेंस में जो नर्स और सब लोग आए थे उन्होंने उसकी सफलतापूर्वक जो डिलीवरी करवाई और उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया उपचार के लिए। इसी दौरान सब लोग इन सब चीजों की निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार अगर सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है तो इस सड़कें क्यों नहीं बनवाती, अगर यहाँ पर ऊंच नीच हो जाती तो लड़की को या उसके बच्चे को जान की उसकी जान भी जा सकती थी, पर यहाँ पर सरकार कुछ करने के लायक ही नहीं है। हालांकि सरकार को ये सब चीजें सोचनी चाहिए, सड़कें हैं, टैक्स तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं पर सड़कें टूटी क्यों हैं ये चीज पूछने वाला कोई नहीं है। आवाज उठाइए गाइस, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।